हेलो चिल्ड्रेन इन दिस वीडियो वी विल डू कंप्लीट एक्सेप्शन हैंडलिंग ओके सो लेट स्टार्ट नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर एरर्स एरर्स क्या होती हैं ओके एरर्स आर द प्रॉब्लम्स दैट अकर इन द प्रोग्राम एरर्स क्या है वो प्रॉब्लम्स है जो प्रोग्राम के अंदर आती हैं ड्यू टू एन इीगल ऑपरेशन परफॉर्म बाय द यूजर किसकी वजह से या तो यूजर ने कुछ गलत ऑपरेशन परफॉर्म किया है जैसे आप एग्जाम्पल ले लो आपको दो नंबर्स का एडिशन करना है तो यूजर ने क्या किया फर्स्ट जब उससे नंबर पूछा गया तो उसने ट्वेंटी दे दिया और जब सेकंड उससे मांगा गया इनपुट तो उसने क्या लिख दिया ए ए क्या है करेक्टर है स्ट्रिंग है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी गलत इनपुट की वजह से क्या आ जाएगी एरर ओके okay? और बाय द फॉल्ट ऑफ अ प्रोग्रामर या फिर प्रोग्रामर ने क्या किया है प्रो, प्रोग्रामिंग करते टाइम कुछ एरर की है सिंटेक्स में फाइन विच हॉर्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम जिससे क्या होता है प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो रुक जाता है हॉल्ट हो जाता है फाइन एरर्स आर ऑल्सो टर्म्ड एस बग्स और फॉल्ट एरर्स को आप बग्स भी बोलते हैं एंड फॉल्ट भी बोलते हैं ओके द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बग्स फ्रोम एज डी बगिंग ओके तो जब आप बग्स को रिमूव करते हो तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है डी बगिंग मिली थ्री टाइप्स की एरर्स होती है सिंटेक्स एरर लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर्स और एक्सेप्शन अब इसके बारे में हम वन बाई वन पढ़ते हैं ओके नो फर्स वी है ज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक टाइप्स ऑफ एरर इन द प्रोग्रामिंग सिंटेक्स एरर क्या है सबसे बेसिक टाइप की एरर्स होती हैं प्रोग्रामिंग में राइट वेन एवर वी डू नॉट राइट प्रॉपर सिंटेक्स जब भी हम प्रॉपर सिंटेक्स नहीं लिखते हैं ओके okay? जितनी भी प्रोग्रामिंग uh, हो, लैंग्वेजेस होती हैं उनको क्या करना होता है अपना एक पर्टिकुलर सिंटेक्स फॉलो करना होता है और कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं प्रोग्रामिंग करते टाइम राइट right? अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हो तो कौन सी एर आती है सिंटेक्स एर आती है राइट ओके वेन एवर वी डू नॉट राइट द प्रोपर सिंटेक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग फॉलो नहीं करते हो तो okay, वो क्या करता है कुछ एर थ्रो करता है सिंटेक्स एर राइट थ्रो करना मतलब उन एर को शो करता Now, को भी कहा जाता है ओके सम ऑफ द जर्नल और पासिंग एरर्स क्यों कहा जा रहा है सिंटेक्स कब चेक होता है जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है और जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो इंटरप्रेटर क्या करता है लाइन टू लाइन प्रोग्राम को क्या करता है ट्रांसलेट करता है और एज वेल एज उसको क्या करता है ट्रांसलेट करने के साथ साथ उसको चेक भी करता है कि कोड सही है या नहीं है फाइन तो इसलिए इसको और इसलिए इसको पार्सिंग एरर्स कहा जाता है पार्सर या इंटरप्रेटर आपको पता है क्या होते हैं ट्रांसलेटर्स होते हैं ओके okay? और पाइथन लैंग्वेज में हम क्या यूज करते हैं इंटरप्रेटर यूज करते हैं जो कि कोड को कैसे ट्रांसलेट करता है लाइन लाइन वाइज ट्रांसलेट करता है फाइन जर्नलिंग वो किसकी वजह से होती है, है? तो टाइपिंग में कुछ एरर किए हैं, इनकरेक्ट इंडेंटेशन आपका इंडेंटेशन सही नहीं है इंडेंटेशन कैसे होता है कि आपको कहाँ पे कितना स्पेस देना है ओके okay. और इन करेक्ट या फिर आपने जो उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं वो सही नहीं है ओके okay? अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखोगे हमने क्या लिया एक वेरिएबल नम और उसमें आप उस, उसको आपने वैल्यू uh, इनिशलाइज की है हंड्रेड मतलब नम वेरिएबल में आपने हंड्रेड को स्टोर किया है ओके अब आपने कंडीशन यहाँ पे लगाई है इफ नम इज ग्रेटर देन फिफ्टी अगर नम क्या है फिफ्टी से ग्रेटर है प्रिंट हो जाए नंबर ग्रेटर देन लेकिन हमने जब इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे हमारी क्या आ गई सिंटेक्स एरर आ गई देखो यहाँ पे इनवैलिड सिंटेक्स आया हुआ है क्यों क्योंकि जब हमने कंडीशन दी है तो कंडीशन के एंड में हमें क्या लगाना था सेमी कॉलन यहाँ पे लगाना था जो हमने फॉलो नहीं किया रूल फाइन इसकी वजह से क्या हुआ सिंटेक्स एरर आ गई ओके okay? देखो सिंस वी हैव द सेमिकॉलन आफ्टर इफ स्टेटमेंट डेट्स वाइ द पाइथन इंटरप्रेटर अ अंटेक्स एरर हमने यहाँ पे क्या किया था सेमी कॉलन नहीं लगाया था इस वजह से इंटरप्रेटर ने क्या शो कर दिया आपको सिंटेक्स एरर शो कर दिया ओके नाउ वी हैव लॉजिकल एरर्स Sometimes even if we don't encounter any समटाइम्स इवन इफ वी डोंट एनकाउंटर our program does not provide the correct result. तो ये क्या कह रहा है कि कई बार क्या होता है जब आप अपने प्रोग्राम को क्या करते हो कंपाइल करते हो एग्जीक्यूट करते हो तो क्या होता है उसमें कोई एरर नहीं आती है राइट right? कोई भी एरर नहीं आती है लेकिन जो रिजल्ट आता है जो आउटपुट आता है वो रोंग आता है ओके सच एर आर लॉजिकल एर तो वो ऐसी okay, एरर्स जो रन टाइम पे कंपाइल टाइम पे नहीं दिखाई नहीं देती हैं डिस्प्ले नहीं होती हैं बट वो क्या करती हैं आउटपुट को रॉन्ग डिस्प्ले करती हैं वो क्या होती है लॉजिकल एरर्स और वो किसकी वजह से आती हैं दीज एर अकर बिकॉज ऑफ रॉन्ग लॉजिक यूज बाय द प्रोग्रामर तो ये किस लिए आती है क्योंकि प्रोग्रामर रॉन्ग लॉजिक को यूज कर रहा है ओके okay, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे आपने क्या किया नम वन इक्वल्स टू इनपुट एंटर नंबर हमने क्या किया एक नंबर को एंटर करा दिया फिर सेकेंड नंबर को एंटर करा दिया अब यहाँ पे देखो जब आप इनपुट के थ्रू यहाँ पे ले रहे हो यूजर से इनपुट तो वो किस फॉर्म में आएगा वो स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा वो टेक्स्ट फॉर्म में आएगा तो यहाँ पे हमने क्या किया इसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया फाइन तो अगर आप सम करोगे तो नम वन प्लस नम टू तो यहाँ पे क्या होगा ये एज अ जो जो आया आया है है और और जो num आया है, वो क्या बन जाएंगे स्ट्रिंग वैल्यूज बन जाएंगे अगर मान लो आपने एंटर किया यहाँ पे देखो एग्जाम्पल एंटर फर्स्ट नंबर आपने एंटर किया फोर सेकेंड आपने किया फाइव तो जब आप इन दोनों का क्या करे हो? एडिशन करे हो, तो ये दोनों क्या है स्ट्रिंग है क्योंकि हमने इसको क्या किया हमने इंट फंक्शन नहीं लगाया इसके आगे जो हमें लगाना चाहिए था इंट फंक्शन फाइन तो इन फंक्शन से क्या होता है ये क्या बन जाता इनपुट बन जाता ओके फाइन तो अब यहां पे क्या हुआ है नम वन प्लस राइट right? तो ना तो हमने फर्स्ट नंबर में इंट फंक्शन लगाया ना ही आपने सेकंड नंबर को इनपुट कराते हुए यहाँ पे फोर एंड फाइव ज्वाइन हो गए क्योंकि यहाँ पे फोर भी स्ट्रिंग है और फाइव भी स्ट्रिंग है तो यहाँ पे हमने प्रोग्राम का जो लॉजिक है वो रॉन्ग कर दिया ठीक है दिस प्रोग्राम रन एंड प्रोड्यूसर रिजल्ट प्रोग्राम रन हुआ और उसने रिजल्ट भी दिया हाउ द रिजल्ट इज नॉट

उन एरर्स को कहा जाता है एरर्स, एरर्स ओके। मोस्ट आर इजी टू आइडेंटिफाई बिकॉज़ प्रोग्राम हॉल्स व्हेन इट एनकाउंटर्स देम। रन टाइम एरर्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्योंकि जब ही आती है तो प्रोग्राम क्या होता है रुक जाता है उसकी उसका एग्जीक्यूशन रुक जाता है ओके okay? रन टाइम आर नोन एज एक्सेप्शन भी कहते हैं राइट right? नाउ कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर रॉन्ग रॉन्ग वैल्यू ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप अदर देन द रिक्वायर्ड ओके आपने क्या किया रॉन्ग वैल्यूज को इनपुट कर दिया जब आपसे वैल्यूज को मांगा गया तो आपने क्या किया रॉन्ग वैल्यूज को इनपुट कर दिया तो एरर्स आ जाएंगे आपने क्या किया किसी भी नंबर uh, को किससे डिवाइड कर दिया जीरो से डिवाइड कर दिया ओके okay? तब आपकी क्या होगी एरर आएगी फाइन यूजिंग एन आइडेंटिफायर विच हैज नॉट बीन डिफाइंड आपने किसी भी आइडेंटिफायर को यूज किया मतलब किसी भी वेरिएबल को यूज किया जिसको आपने पहले डिफाइन नहीं किया है लिख दिया प्रिंट ए आपने लिख दिया प्रिंट ए लेकिन आपने प्रिंट ए ए को पहले बताया ही नहीं है डिफाइन ही नहीं किया कि ए है क्या राइट right? आपने मान लो लिख दिया प्रिंट कोई भी वेरिएबल आपने लिया प्रिंट ए राइट right? अब ए तो आपने कर दिया लेकिन ए को आपने पहले डिफाइन ही नहीं किया है कि ए है क्या राइट right? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपने वो आइडेंटिफायर यूज कर लिया जो पहले आपने डिफाइन ही नहीं किया है फाइन

एग्जाम्पल देखते हैं देखो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया है यहाँ पे हम इन फंक्शन किस लिए करवाते हैं क्योंकि इनपुट क्या करेगा एज अ स्ट्रिंग यूजर इनपुट लेता है तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आपने यहाँ पे इन फंक्शन का यूज किया है ओके okay? नाउ आपने क्या किया नम वन को एंटे कराया नम टू को एंटे करा और डिविजन फंक्शन उस परफॉर्म कर दिया राइट right, आपने आपका कमांड दे दी प्रिंट डिवीज़न इक्वल्स टू तो डिवीज़न एंड प्रिंट प्रोग्राम प्रोग्राम एंड थीयर फाइन तो अब देखो यहाँ पे हमने आउटपुट में क्या किया फर्स्ट नंबर आया आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट आया एंटर अ नंबर आपने टेन को इनपुट करा दिया देन अनदर एंटर अनदर नंबर आपने टू इनपुट करा दिया अब आप आपका डिवीजन आ गया फाइन ओके okay. और आपका नेक्स्ट जो, जो आपकी कमांड थी प्रोग्राम एंड शेयर वो आपका आ गया दोनों का डिविजन होकर रिजल्ट आ गया आपके पास ओके okay. आपका क्वेश्चन नाउ अब आपने सेकंड टाइम इसको एग्जीक्यूट किया और आपने क्या किया फर्स्ट नंबर आपने एंटर कराया टेन और सेकंड नंबर आपने क्या करा दिया जीरो तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं आप नंबर को जीरो से डिवाइड कर रहे हैं ओके इनपुट हमने रॉन्ग दिया है फाइन तो इसकी वजह से क्या होगा रन टाइम एरर आपकी क्रिएट होगी कौन सी जीरो डिविजन एरर फाइन और इसके साथ देखो आपको मैसेज भी आए division by zero. तो ये, ये जो जीरो आई आई रॉन्ग इनपुट की वजह से आई क्योंकि आप एक नंबर को जीरो से क्या कर रहे हो डिवाइड कर रहे हो फाइन तो ये कौन सी एरर है ओके इवन इफ अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन इज सिंथेटिकली करेक्ट जो एक्सप्रेशन है या स्टेटमेंट है उसका सिंटेक्स बिल्कुल करेक्ट है ओके okay? लेकिन फिर भी जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हो तो क्या हो आता है एरर आती है फाइन फॉर एग्जाम्पल ट्राइंग टू ओपन अल डिस्ट जैसे कि एग्जाम्पल लो आप ऐसी फाइल को ओपन करना चाहते हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती या आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हो ओके एंड सो ऑन सच टाइप ऑफ एरर्स माइट डिस्टर्ब द नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एंड आर कॉल्ड एक्सेप्शन तो इस तरह की एरर्स ओके okay? क्या करती है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रोक देती है फाइन और उनको क्या कहा जाता है एक्सेप्शन कहा जाता है ओके

सेट टू हैव बीन रेस्ट उस एरर को क्या कहा जाता है प्रोग्रामर okay? तो इस टाइप के एर को इस टाइप के एक्सेप्शन को प्रोग्रामर को क्या करना चाहिए हैंडल करना चाहिए सो डेट द प्रोग्राम डरमिनेट एब नॉर्मली जिससे की प्रोग्राम टर्मिनेट न हो जाए फाइन फिनिश ना हो जाए विदाउट गिविंग द रिजल्ट ओके देर फोर वाइल्ड डिजाइनिंग अ प्रोग्राम प्रोग्रामर में ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन तो यहाँ पे क्या होता है जब प्रोग्राम को डिजाइन किया जा रहा है तो प्रोग्रामर को क्या करना चाहिए एंटिसिपेट करना चाहिए मतलब उसको ये आ, सोचना चाहिए ऐसा आ, उसको एक अनुमान लगाना चाहिए कि कहाँ कहाँ एरर आ सकती है Okay, तो उसके जहां लगे की एक्सेप्शन आ सकता है एर आ सकती है वहां पे उस कोड को उसको क्या करना चाहिए हैंडल करना चाहिए कुछ एक्स्ट्रा कोड इंक्लूड करके जिससे की वो एरर हैंडल हो सके और प्रोग्राम टर्मिनेट ना करे फाइन तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने एक्सेप्शन का लिया है आपने एक वेरिएबल लिया एक्स जिसको आपने वैल्यू दी फाइव दूसरा वेरिएबल लिया आपने वाई और आपने उसमें स्ट्रिंग वैल्यू दी है हेलो अब आपने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करा दिया जी जी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई ओके तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं नंबर को स्ट्रिंग से क्या कर रहे हैं ऐड करा रहे हैं फाइन तो दोनों का डेटा टाइप क्या है डिफरेंट है तो यहाँ पे ये यह कौन सा एक्सेप्शन क्रिएट करेगा ये करेगा टाइप एरर फाइन अन ठीक है तो यह, क्या यह, यहाँ पे क्या पे कह रहा है कि हमने ऑपरेंट्स जो लिए x और y हमारे ऑपरेंट्स हैं वो क्या है अनसपोर्टेड है क्योंकि वो सेम डेटा टाइप के नहीं है एक है इंट और दूसरा है स्ट्रिंग फाइन तो इसकी वजह से यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन क्रिएट हुआ है टाइप एरर ओके, okay. टाइप क्या लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप लेते हैं और उसपे ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं ओके okay, तो क्या होता है यहाँ पे टाइप एरर आते है क्योंकि यहाँ पे दोनों या तो नंबर दोनों नंबर्स होते हैं तो एडिशन हो जाता है और दोनों स्ट्रिंग होते हैं तो क्या होता है कॉन्टेसन हो जाता है फाइन बट यहां पे क्या एक नंबर है एक स्ट्रिंग है इसकी वजह से कौन सी एरर आ गई है आपकी टाइप एरर आ गई है ओके okay?

एरर से जैसे सिंटेक्स एरर है सिंटेक्स एरर को करने एक्सेप्शन uh, uh, आता है तो उसके लिए क्या है आपके पास क्या जाता है मैसेज आ जाता है इट इज रेज्ड व्हेन देयर इज एन एरर इन द सिंटेक्स ऑफ द पाइथन कोड ओके तो ये सिंटेक्स एरर एक्सेप्शन कब रेज होता है जब आप पाइथन कोड के सिंटेक्स में कुछ एरर करते हो वैल्यू एरर जब आप कुछ रॉन्ग इनपुट वैल्यू प्रोवाइड करते हो इनपुट आउटपुट एरर ओके इट इज़ एज व्हेन द फाइल स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम स्टेटमेंट कैन नॉट बी ओपनड तो आप ऐसी फाइल ओपन करना चाहते हो जो क्या एग्जिस्ट नहीं करती है या ओपन नहीं हो सकती है ओके कीबोर्ड इंटरप्ट कीबोर्ड इंटरप्ट एक्सेप्शन आता है कब इट इज एस्ड वैन द यूजर एक्सीडेंटली हिट्स द डिलीट और एस्केप की यूजर प्रोग्रामिंग कर रहा है बट उससे एक्सीडेंटली क्या होता है डिलीट या एस्केप की प्रेस हो जाती है तो कीबोर्ड इंटरप्ट आ जाएगा ओके इम्पोर्ट एरर इम्पोर्ट एरर में क्या है आप ऐसा मॉड्यूल इम्पोर्ट uh, करना चाहते हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता फाइन या आप मॉड्यूल का रॉन्ग नेम दे रहे हो एंड ऑफ फाइल एरर एंड ऑफ फाइल क्या होगा इट इट इज एस्ड व्हेन द एंड ऑफ फाइल कंडीशन इज रीज विदाउट रीडिंग एनी डेटा बाय द इनपुट फंक्शन इनपुट फंक्शन ने कुछ भी नहीं रीड किया लेकिन वो क्या शो कर रहा है एंड ऑफ फाइल ओके इसको इसके कुछ एग्जाम्पल्स अभी हम देखेंगे ओके okay, जैसे आपका जीरो डिवीजन एरर आ गया वो कब आता है जब आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हो इंडेक्स एरर इट इज रेस व्हेन इंडेक्स और सब्सक्रिप्ट सब्सक्रिप्ट इन इज आउट ऑफ रेंज आप ऐसा इंडेक्स दे रहे हो जो क्या कर रहा है एग्जिस्ट करता ही नहीं है आउट ऑफ रेंज है ओके नेम एरर जब आप किसी लोकल या ग्लोबल वेरिएबल का रॉन्ग नेम दे रहे हो ओके okay, आपने उसको डिफाइन ही नहीं किया है इंडेंटेशन एरर अगर आपने प्रोग्राम के अंदर इंडेंटेशन करेक्ट नहीं किया है टाइप एरर जहां पे आप डिफरेंट डेटा टाइप्स प्रोवाइड कर रहे हो ओके ओके सेम डेटा टाइप्स को आप यूज नहीं कर रहे हो ओवरफ्लो एरर इट इज एस्ड व्हेन द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन एक्सिस्ट द मैक्सिमम लिमिट फॉर न्यूमरी डेटा टाइप आप जो डेटा जो नंबर्स दे रहे हो उनकी क्या कर रहे हो लिमिट क्रॉस कर रहे हो जितनी एक पर्टिकुलर स्पेसिफाई की की गई है उससे ज्यादा ठीक है तो उसमें ओवरफ्लो एरर आ गई फाइन तो ये कुछ एक्सेप्शन इन बिल्ट एक्सेप्शन है fine. इसके हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं अभी ओके okay. अब फर्स्ट वन इज जीरो डिवीजन एरर एक्सेप्शन फाइन तो यहाँ पे हमने क्या किया एक कमांड दी प्रिंट ओके प्रिंट में फोर्टी डिवाइडेड बाय जीरो तो यहाँ पे हम क्या करें एक नंबर को जीरो से डिवाइड करें तो आपका कौन सा एक्सेप्शन क्रिएट होगा जीरो डिवीजन एरर फाइन ओके नाउ टाइप एरर टाइप एरर में देखो यहाँ पे मैंने ट्वेंटी प्लस क्या दिया है विद इन कोर्स आपने टेन दिया है तो अब जब आप किसी भी नंबर को कोर्स में देते हो तो वो क्या बन जाता है स्ट्रिंग बन जाता है फाइन तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एक नंबर को स्ट्रिंग से क्या करवा रहे हैं ऐड करा रहे हैं उसको तो यहाँ पे अगर देखो दोनों स्ट्रिंग होती तो कॉन्कैटिनेशन हो जाता है या दोनों नंबर होते तो एडिशन हो जाता है. फाइन एक नंबर है एक स्ट्रिंग है तो कौन सी एरर आ जाएगी आपके पास टाइप एरर ओके अनसपोर्टेड ऑपरिट टाइप फाइन नाउ नेम एरर नेम एरर देखो आपने यहाँ पे कमांड दी प्रिंट टेन प्लस ओके तो यहाँ पे ए हमने डिफाइन नहीं किया हुआ कि ए क्या है फाइन या ए के अंदर कौन सी वैल्यू है कुछ भी नहीं डिफाइंड किया हुआ आपने यहाँ पर तो यहाँ पे क्या होगा आपकी कौन सी एक्सेप्शन आ जाएगी नेम एरर नेम एरर नेम इज नॉट डिफाइंड Fine, now. Next one, next is module not found error. आपने क्या किया इम्पोर्ट मैथ अब यहाँ पे इसका एम क्या है कैपिटल है और देखो यहाँ पे हमारी पाइथन क्या है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो हमें इसको कैपिटल लेटर का स्मॉल लेटर का पूरा ध्यान रखना है अगर हम इसको स्मॉल uh, लेटर में लिखते हैं तो मैथ मॉड्यूल एग्जिस्ट करता है फाइन अब यहाँ पे आपने कैपिटल लेटर में दिया है तो ऐसा कोई मॉड्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्या आ जाएगा मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर नो मॉड्यूल नेम्ड मैथ मैथ नेम का कोई भी मॉड्यूल नहीं है फाइन पे किया है, उसके आपने इेक्स okay, वैल्यू key -key क्या दी है टू सॉरी इंडेक्स वैल्यू नहीं सॉरी आपने की क्या दी है टू और हमने यहाँ पे की क्या दी है वन आपने एक की वैल्यू uh, पे स्पेसिफाई किया है तो ओके okay, पर यहाँ पे हम कौन सी की दे रहे हैं टू तो क्या होगा यहाँ पे की एरर आएगी क्योंकि टू तो यहाँ पे की है ही नहीं ओनली वन है ओके okay? तो आपके पास कौन सी एरर आ गई की एरर टू फाइन नो नेक्स्ट वन नेम एरर अब देखो आपने क्या किया एक वेरिएबल या नाम और आपने उसमें एक नंबर को करा है. एंटर कराया इंट इनपुट एंटर अ नंबर नेक्स्ट आपने कमांड क्या दी है प्रिंट एन अब यहाँ पे एन तो आपने स्पेसिफाई किया ही नहीं है उसको डिफाइन किया ही नहीं है हमने नम को डिफाइन किया है तो यहाँ पे देखो आपका फर्स्ट जो कमांड है वो तो एक्जीक्यूट करेगा एंटर नंबर आपने नंबर दे दिया ट्वेंटी थ्री लेकिन जो सेकंड कमांड है उसमें आपने क्या दिया है प्रिंट एन पर एन तो आपने डिफाइन ही नहीं किया तो यहाँ पे कौन सी एरर आ जाएगी आपके पास नेम एरर ठीक है है क्योंकि तो कहीं पर define ही नहीं किया है हमने ओके okay? एक्सेप्शन मतलब आते हैं तो आपको उनको हैंडल करना चाहिए राइट right? और आप उनको कैसे हैंडल करोगे फर्स्ट वन इज ईच एंड एवरी एक्सेप्शन टू बी हैंडल बाय द प्रोग्रामर टू अवॉइड द प्रोग्राम फ्रॉम क्रैशिंग एब्रप्टली राइट तो ये क्या कह रहा है कि जितने भी एक्सेप्शन आते हैं आपको उनको हैंडल करना बहुत जरूरी है प्रोग्रामर को उनको हैंडल करना चाहिए जिससे कि जो आपका प्रोग्राम है वो क्रैश ना करे ठीक है वो एकदम से uh, क्या हो जाए वो फिनिश uh, ना हो जाए विदाउट गिविंग द आउटपुट राइट नो दिस इज डन बाय राइटिंग एडिशनल कोड इन अ प्रोग्राम टू गिव प्रॉपर मैसेजेस और इंस्ट्रक्शन टू द यूजर ऑन एनकाउंटरिंग एन एक्सेप्शन तो ये कैसे किया जा सकता है ये आप अपने प्रोग्राम में कुछ एडिशनल कोड को ऐड करके कर सकते हो जिसकी हेल्प से आपको एक प्रॉपर मैसेज मिले मिले या इंस्ट्रक्शन ओके okay, अगर यूजर के पास कोई एक्सेप्शन आता है मान लो जैसे सिंटेक्स एरर है जैसे आपका जीरो डिविजन एरर है तो एक प्रॉपर मैसेज आए कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हो कि आप क्या कर रहे हो किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर रहे हो फाइन तो उसको करने के लिए आपको कुछ एडिशनल uh, क्या करना पड़ता है कोड अपनी प्रोग्रामिंग में ऐड करना पड़ता है जिससे कि एक्सेप्शन हैंडल हो सके फाइन दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सेप्शन हैंडलिंग जब आप एक प्रॉपर उसको कोड uh, प्रोवाइड करते हो इन ऑर्डर टू हैंडल द एक्सेप्शन इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग ओके ओके प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग एक्सेप्शन जो इंटरनल प्रोसेस होता है पाइथन प्रोग्रामिंग का एक्सेप्शन को हैंडल करने का वो क्या होता है राइट right? तो अब इसको हम पॉइंट uh, वाइज पढ़ते हैं व्हेन एन एरर अकर्स पाइथन इंटरप्रेटर क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड एस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट जब भी कोई एरर आती है ओके okay? तो पायथन इंटरप्रेटर क्या करता है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट राइट तो ये जो हो रहा है वो क्या हो रहा है इंटरनली जो पायथन करता है हम उस, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं फाइन ओके दिस ऑब्जेक्ट कंटेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द एरर पाइथन एरर आई पाइथन ने क्या क्या एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट राइट अभी ऑब्जेक्ट क्या इंफॉर्मेशन कंटेन करता है दिस ऑब्जेक्ट कंटेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द एर लाइक टाइप फाइल नेम एंड पोजिशन तो वो क्या इंफॉर्मेशन कंटेन करता है कि कौन कौनसी टाइप की एरर आई है फाइल नेम क्या है एरर की पोजिशन क्या है इन द प्रोग्राम वेयर द एरर हैज अकर्ड राइट right? तो वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उस ऑब्जेक्ट के अंदर होती है एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट के अंदर की कौन सी एरर है किस लाइन में आई है फाइन नाउ ऑब्जेक्ट इज हैंडल्ड ओवर टू द रन टाइम सिस्टम जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है वो, वो है, है वो किसको दे दिया जाता है ठीक है सो डेट इट केन फाइंड एन अप्रोप्रिएट को टू हैंडल दिस पर्टिकुलर एक्सेप्शन जिससे कि जो रन टाइम सिस्टम है वो क्या करे उस पर्टिकुलर एर को हैंडल करने के लिए क्या करे अप्रोप्रिएट मतलब एक uh, करेक्ट कोड को फाइंड आउट कर सके कि वो एक्सेप्शन मतलब वो एरर कैसे हैंडल की जा सकती है राइट दिस प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन

के एक्सेप्शन को डिस्प्ले किया जा रहा है थ्रो किया जा रहा है

Fine. Now, it is important to note that when an exception occurs while executing a particular program statement, the control jumps to an exception handler. राइट right? तो ये क्या कह रहा है ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है नोट करना क्या वेन एन एक्सेप्शन जब कोई एक्सेप्शन आता है ओके वाइल एग्जीक्यूटिंग अ पर्टिकुलर प्रोग्राम स्टेटमेंट किसी भी प्रोग्राम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हुए अगर कोई एक्सेप्शन आता है द कंट्रोल जंप्स टू एन एक्सेप्शन हैंडलर तो क्या होता है कंट्रोल सीधा कहाँ चला जाता है एक्सेप्शन हैंडलर के पास चला जाता है अबेंडनिंग एक्सिक्यूशन ऑफ द रिमेनिंग प्रोग्राम स्टेटमेंट ठीक है क्या करता है जैसे मान लो आपका लाइन ऑफ कोड है थर्ड लाइन में एक्सेप्शन आ गया ठीक है तो क्या होगा तो जो फोर्थ लाइन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी जैसे ही एक्सेप्शन आया तो आपका कंट्रोल कहाँ चला गया एक्सेप्शन हैंडलर के पास चला गया उस कोड के पास चला गया जो इस एक्सेप्शन को हैंडल करेगा फाइन तो प्रोग्राम का जो रिमेनिंग लाइंस का एग्जीक्यूशन था वो रुक जाएगा कंट्रोल सीधा कहाँ चला जाएगा एक्सेप्शन हैंडलर के पास चला जाएगा मतलब उस उन कमांड्स के पास चला जाएगा जो उस एरर को उस एक्सेप्शन को हैंडल करेंगी ठीक है द रन टाइम सिस्टम सर्च इज एंटायर प्रोग्राम फॉर अ ब्लॉक ऑफ कोड कॉल्ड द एक्सेप्शन हैंडलर रन टाइम सिस्टम क्या करता है पूरे प्रोग्राम को सर्च करता है कि यहाँ पे कोई ऐसा कोड लिखा गया है जो इसको हैंडल कर सके एक्सेप्शन को हैंडल कर सके ओके दैट कैन हैंडल द रेस्ड एक्सेप्शन ठीक है तो रन टाइम सिस्टम का क्या काम है एक्सेप्शन uh, हैंडलर को फाइंड आउट करना कि कहा वो कोड लिखा गया है कहां पे एक्सेप्शन हैंडलर लिखा गया है जो एक्सेप्शन को हैंडल कर, करेगा

एक्सेप्शन हैंडलर के कोड को जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है कैचिंग द एक्सेप्शन ठीक है मतलब हम एग्जीक्यूट नहीं करते जो इंटरनल जो वर्किंग होती है इंटरनल जो पाइथन की वर्किंग होती है वो क्या करते हैं उस पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करता है तो इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे कैचिंग द एक्सेप्शन ठीक है थ्रोइंग एक्सेप्शन आपको समझ आ गया क्या है जब आपका एक्सेप्शन क्रिएट होता है और वो एक्सेप्शन दिया जाता है रन टाइम सिस्टम को उसको बोलिए थ्रोइंग एन एक्सेप्शन और जब रन टाइम सिस्टम उस एक्सेप्शन को हैंडल कर लेता है प्रॉपरली बाय एग्जीक्यूटिंग द हैंडलर कोड तो उसको क्या बोलते हैं कैचिंग द एक्सेप्शन तो यहाँ पे ये डायग्राम फॉर्म में आपको बताया गया जो भी आपको मैंने बताया था एन एरर एनकाउंटर इन एन मेथड एक, एक मेथड के अंदर एरर आई क्रिएट एन एक्सेप्शन तो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ फिर जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट था उसकी उसकी वजह से क्या हुआ एक्सेप्शन रेज हुआ तो इस इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं थ्रोइंग एक्सेप्शन राइट तो ये आपको मैंने पूरा समझा दिया कि कैसे क्या करना है कैसे वो रेज होगा कैसे एक्सेप्शन थ्रो होगा और कैसे वो कैच होगा फाइन अब यहाँ पे हम कैचिंग एक्सेप्शन को डिटेल में पढ़ते हैं राइट नो, एन एक्सेप्शन टू बी कॉट टू हैंडल अ पर्टिकुलर एक्सेप्शन इज एक्स्यूटेड तो एक्सेप्शन को कोट uh, कब कहा जाता है जब वो कोड मतलब जब हैंडलर कोड क्या करता है उसको हैंडलर कोड एग्जीक्यूट करता है और एक्सेप्शन को हैंडल करता है राइट right? ओके okay, फिर से देखो एन एक्सेप्शन इज सेट टू बी कॉट एक्सेप्शन को कॉट कब कहा जाता है व्हेन अ कोड डिजाइन टू हैंडलर एक्सेप्शन इज एग्जीक्यूटेड जब वो कोड एग्जीक्यूट होता है जो उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए बनाया गया है फाइन एक्सेप्शन इफ एनी आर कॉट इन द ट्राइब ब्लॉक एंड हैंडल्ड इन द एक्सेप्ट ब्लॉग तो एक्सेप्शन कहाँ पे होते हैं मोस्टली ट्राइब ब्लॉक के अंदर वो आते हैं क्रिएट होते हैं ओके okay, अकड़ करते हैं और उनको हम हैंडल किस के अंदर करते हैं उनको हम हैंडल एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर करते हैं फाइन द एप्रोप्रियट कोड टू हैंडल ईच ऑफ द पॉसिबल एक्सेप्शन आर रिटर्न इन साइड द एक्सेप्ट क्लॉज तो हम एक्सेप्ट क्लॉज में क्या लिखते हैं हम एक्सेप्शन हैंडलर्स लिखते हैं एक्सेप्शन हैंडलर्स क्या होते हैं वो कोड जो एक्सेप्शन को हैंडल कर सके ओके okay?

ओके एवरी ट्राइब ब्लॉक इज फॉलोड बाय एन एक्सेप्ट ब्लॉक और जो भी ट्राइब ब्लॉक होता है वो किस वो उसको कौन फॉलो करता है एक्सेप्ट ब्लॉक करता है मतलब ट्राइब ब्लॉक के बाद हमेशा आपका एक्सेप्ट ब्लॉक आता है ओके एक्सेप्ट ब्लॉक में हम क्या लिखते हैं हम एक्सेप्शन हैंडलर कोड लिखते हैं जो वो कोड जो एक्सेप्शन को हैंडल करता है ओके एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम इफ एन एक्सेप्शन इज एनकाउंटर्ड अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते टाइम अगर कोई भी एक्सेप्शन आता है फर्दर एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड इन साइड द ट्राई ब्लॉक इज स्टॉप एंड कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द एक्सेप्ट ब्लॉक तो क्या होता है जो ट्राई ब्लॉक के अंदर जो कोड होता है वो क्या हो जाता है उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है ओके जैसे यहाँ पे आपका ट्राई ब्लॉक है आपकी सेकेंड लाइन में आ, आपका क्या आ गया एक्सेप्शन आ गया तो थर्ड लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगी कंट्रोल सीधा कहां चला जाएगा

लगाते हो एक्सेप्ट लगाते हो टू हैंडल दीज एर फाइन इसके कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं फिर हम इसके एग्जाम्पल समझेंगे ठीक है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं द ट्राई ब्लॉक कंटेन वन आर लाइकली टू एनकाउंटर एन एक्सेप्शन ठीक है तो मैंने बता दिया ट्राई ब्लॉक में आप कौन सी स्टेटमेंट आप यूज करते हो कौन सी स्टेटमेंट आप उसके अंदर डालते हो जहां पे आपको लगता है कि एक्सेप्शन आ सकता है एरर आ सकती है इफ द स्टेटमेंट इन दिस ब्लॉक आर एक्स्यूटिव विदाउट एन एक्सेप्शन द सब्सिक्वेंट एक्सेप्ट ब्लॉक इज स्किप्ड अब यहाँ पे देखो अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई भी एरर कोई भी एक्सेप्शन नहीं आता है तो आपका एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा फाइन अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर एरर आती है तो ही आपका एक्सेप्ट ब्लॉक क्या करेगा एग्जीक्यूट करेगा अगर ट्राइब ब्लॉक के अंदर कोई भी एरर नहीं आती है तो एक्सेप्ट ब्लॉक के पास कंट्रोल नहीं जाएगा और एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा ओके नाउ इफ द एक्सेप्शन इफ द एक्सेप्शन डज अकर द प्रोग्राम फ्लो इज ट्रांसफर टू द एक्सेप्ट ब्लॉक

एरर आप कर रहे हो कहाँ पे एरर किस लाइन में एरर है और पे आप उसको उसको ठीक ठीक करना और कैसे करना है no. है और कैसे फाइन नो यू कैन स्पेसिफाई द टाइप ऑफ एक्सेप्शन आफ्टर कहाप्ट की वर्ड आप एक्सेप्ट जो की उसको सिंपली आप एक्सेप्ट लिख कर भी यूज कर सकते हो या फिर आपको अगर पता है कि कौन सा एक्सेप्शन आ सकता है तो आप एक्सेप्ट की वर्ड के बाद वो एक्सेप्शन का नाम भी स्पेसिफाई कर सकते हो जैसे या तो आप सिंपली एक्सेप्ट करके कॉलन लगा दो ठीक है या फिर आप लिखो एक्सेप्ट टाइप एरर देन कॉलम क्योंकि आपको पता है इसके अंदर टाइप एरर आएगी ओके द सब्सिक्वेंट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली इफ द स्पेसिफाइड एक्सेप्शन अकर्स लेकिन आप अगर ऐसे देते हो मान लो आपने एक्सेप्ट की वर्ड लिखा एक्सेप्ट लिखा उसके आगे आपने क्या किया एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन नेम दे दिया आपने टाइप एरर दे दिया लेकिन उसमें टाइप एरर ना आके नेम एरर आई तो इस केस में क्या होगा वो एक्सेप्शन एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक नेम दिया है राइट right. और अगर जहां पे आपको ये डाउट हो कि आपको नहीं पता है कि कौन सा एक्सेप्शन आना है वहां पे सिर्फ आप एक्सेप्ट की वर्ड दोगे आप वहां पे नेम स्पेसिफाई नहीं करोगे अगर आप बिल्कुल श्योर हो कि यही एक्सेप्शन आना है तब आप एक्सेप्ट के बाद उसका नेम स्पेसिफाई करो अदरवाइज नॉट

हैंडलर से मैच नहीं हुई तो क्या होगा यहाँ पे क्या होगा कोई भी एक्सेप्शन हैंडलर कोई भी एक्सेप्ट ब्लॉक क्या करेगा एग्जीक्यूट नहीं करेगा और प्रोग्राम क्या हो जाएगा टर्मिनेट uh, हो जाएगा विदाउट हैंडलिंग द एर ओके द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट आफ्टर द एक्सेप्ट ब्लॉक्यू टू बी एक्सक्यूटेड रिगार्ड लेस इफ द एक्सेप्शन इज एनकाउंटर और नॉट अब आपने क्या किया ट्राई ब्लॉक में कुछ कोड दिया ठीक है आपने ट्राई ब्लॉक के अंदर कुछ कोड दिया फिर आपने एक्सेप्ट ठीक है आपने एक्सेप्ट ब्लॉक में कुछ कोड दिया यहाँ पे मान लो ये आपका एक्सेप्ट ब्लॉक है इसके अंदर आपने कुछ कोड दिया उसके बाद भी आपका कुछ कोड है तो क्या होगा आपका एक्सेप्शन रेस हो या ना हो राइट right? क्या कह रहा है द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट आफ्टर द एक्सेप्ट ब्लॉक विल कंटिन्यू टू बी एक्सिक्यूटेड रिगार्डलेस इफ द एक्सेप्शन इज एनकाउंटर और नॉट ठीक है आपका एक्सेप्शन यहाँ पे क्या हुआ है रेस हुआ है या नहीं हुआ है एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद जो भी स्टेटमेंट्स है वो एक्सिक्यूट करती ही है ओके okay, वो एक्सिक्यूट करेंगी ओके okay, अब हम क्या करेंगे सेक्शन हैंडलिंग के एग्जांपल देखते हैं अभी हमने थोटिकली तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया कि कैसे क्या करना है फाइन तो देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या है द फॉलोइंग एग्जांपल विल एन एन एक्सेप्शन व्हेन वी ट्राई टू डिवाइड इंटीजर बाय अ स्ट्रिंग हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं जहां पे क्या करें हम एक इंटीजर को स्ट्रिंग से डिवाइड करें देखो आपने क्या किया कि आप जानते हो इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर क्या आ सकता है एक्सेप्शन आ सकता है तो हमने इसको ट्राई में दे दिया ट्राई कॉलन ए इक्वल्स फाइव ए इक्व टू फाइव आपने ए के अंदर कौन सी वैल्यू दी फाइव आपने बी के अंदर क्या दिया जीरो लेकिन जीरो भी यहां पे क्या है हमने डबल कोर्स में दिया है तो ये क्या बन गया स्ट्रिंग राइट नेक्स्ट स्टेटमेंट आपने क्या दे दी प्रिंट ए डिवाइडेड बाय बी तो यहां पे हम एक नंबर को स्ट्रिंग से डिवाइड करा रहे हैं ओके okay, एरर आएगी ऑब्वियसली तो ट्राइक ब्लॉक के बाद आपने क्या लगाया एक्सेप्ट ब्लॉक लगाया एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर आपने एक पर्टिकुलर मैसेज दे दिया सम एरर अकर्ड राइट सम एरर अकर तो यहाँ पे देखो जैसे ही ये एग्जीक्यूट करेगा प्रिंट ए डिवाइडेड बाय बी तो आपका क्या है कंट्रोल एक्सेप्ट के पास चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे एरर आ रही है और जो एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर जो भी मैसेज दिया है वो क्या होगा आपका डिस्प्ले हो जाएगा फाइन और उसके बाद ट्राई और एक्सेप्ट के बाद आपने क्या दिया है प्रिंट ठीक है प्रिंट आउट ऑफ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक्स तो एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो क्या होती है एग्जीक्यूट होती ही होती हैं चाहे एक्सेप्शन रेस हो चाहे ना हो तो ये वाली आपकी आ, क्या होगी डिस्प्ले हो जाएगी तो यहाँ पे देखो सम एरर अकर्ड एक्सेप्शन रेस हुआ तो आपका एक्सेप्ट ब्लॉक क्या हुआ एग्जीक्यूट uh, हुआ तो आपका ये स्टेटमेंट आया सम एरर अकर्ड और उसके बाद एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद जो आपने कमांड दिया था आउट ऑफ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक वो आपका एग्जीक्यूट हुआ ओके वेरी सिंपल नाउ नेक्स्ट

सीधा कंट्रोल किसके पास जाएगा एक्सेप्ट ब्लॉक के पास जाएगा एक्सेप्ट ब्लॉक में आपने प्रिंट स्टेटमेंट दी है जीरो डिवीजन एरर ओके ये एग्जीक्यूट हो जाएगी ये आपका आ गया और एक्सेप्ट ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट करने के बाद रिमेनिंग जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी आउट ऑफ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक तो आपका आ गया आउट ऑफ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक ओके ओके okay, अभी मैंने आपको बताया था आप एक्सेप्ट के साथ क्या कर सकते हो टाइप ऑफ एक्सेप्शन भी दे सकते हो अगर आपको श्योर है कि यही एक्सेप्शन आएगा फाइन तो देखो यू कैन मेंशन स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सेप्शन इन फ्रंट ऑफ द एक्सेप्ट कीवर्ड आप एक्सेप्ट कीवर्ड के आगे एक्सेप्शन का नेम लिख सकते हो ओके okay?

अब अब बी में आपने क्या किया है स्ट्रिंग को दे दिया है ओके जीरो जीरो बट ये क्या है स्ट्रिंग फॉर्म में है और आपने प्रिंट कर दिया ए प्लस बी तो ए आपका क्या है इंटीजर और बी आपका क्या है स्ट्रिंग तो किस टाइप की एरर आ गई आपकी टाइप एरर आपका कंट्रोल कहाँ चलाएगा यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक के पास चला जाएगा और आपने एक्सेप्ट में दिया एक्सेप्ट टाइप एरर ओके okay, आपको पता था इसमें टाइप एरर आएगी तो आपने टाइप एरर दिया है अब यहाँ पे टाइप एरर ही आ रही है तो ये पर्टिकुलर एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा ओके okay? तो यहाँ पे जो आपने स्टेटमेंट है इसके अंदर इट इज व्हेन एन ऑपरेटर इज सप्लाइड विद द वैल्यू ऑफ इनक्रेट डेटा टाइप ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और एक्सेप्ट ब्लॉक को एग्जीक्यूट एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद रिमेनिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी फाइन आउट ऑफ टाई एक्सेप्ट ब्लॉक तो ये आपका आउटपुट आ गया ओके okay? ओके okay, नाउ एक ट्राई ब्लॉक के साथ आप मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स का यूज कर सकते हो तो हम यहाँ पे देखते हैं अ सिंगल ट्राई ब्लॉक में मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स विद डिफरेंट एक्सेप्शन टाइप्स मैंने भी आपको बताया था एक ट्राई ब्लॉक के साथ आप मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट हैंडल्स के साथ ओके इफ द एक्सेप्शन रेस्ड इन द ट्राई ब्लॉक डजेंट मैच एनी ऑफ द एक्सेप्ट ब्लॉक इट विल रिमेन ऑनडल एंड द प्रोग्राम विल टर्मिनेट तो ये मैंने आपको बताया है कि अगर एक्सेप्शन जो आपने क्या किया यहाँ पे एक्सेप्ट अलग अलग एक्सेप्ट ब्लॉक लिए हैं विद एक्सेप्शन टाइप आपने एक्सेप्शन टाइप भी दिया है अगर जो एक्सेप्शन रेज हुआ है इनमें से किसी भी एक्सेप्ट ब्लॉक के साथ मैच नहीं करता है तो क्या होगा एक्सेप्शन हैंडल नहीं होगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए ओके अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देखते हैं आपने कुछ कोड लिया ट्राई ब्लॉक के अंदर ए इक्वल्स टू फाइव बी इक्वल्स टू जीरो और आपने यहाँ पे प्रिंट करा दिया ए डिवाइडेड बाय बी ओके okay, अब आपने एक एक्सेप्ट लिया है टाइप एरर ओके उसमें आपने स्टेटमेंट दे दिया अनसपोर्टेड ऑपरेशन सेकंड आपने लिया है एक्सेप्ट ब्लॉक जीरो डिवीजन एरर और उसमें आपने दे दिया डिवीजन बाय जीरो नॉट अलाउड ओके okay, और इसके बाद आपने स्टेटमेंट दिया आउट ऑफ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक तो देखो आपका क्या है यहाँ पे जीरो डिवीजन एरर प्रोड्यूस हुआ है तो आपका सीधा कंट्रोल कहाँ चला जाएगा इस पर्टिकुलर एक्सेप्ट ब्लॉक के पास चला जाएगा और इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी ओके okay? तो यहाँ पे देखो डिवीजन बाय जीरो नॉट अलाउड आ गया है और उसके बाद जो एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद जो स्टेटमेंट है वो आपके डिस्प्ले हो गए आउट ऑफ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक ओके ना यहाँ पे देखो हम एक और कोड देखते हैं आपने ट्राई ब्लॉक लिया ओके okay, फर्स्ट है आपका आपने ए uh, वेरिएबल को वैल्यू दी है फाइव और सेकंड आपने क्या दिया इसको स्ट्रिंग एक, वैल्यू एक से इनिशियलाइज किया है ओके okay, क्योंकि हमने क्या किया है जीरो को डबल सिंगल कोर्स में एंक्लोज uh, किया है तो इससे क्या बन गया वो स्ट्रिंग बन गया तो यहाँ पे देखो कौन सा एरर प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे आपका टाइप एरर प्रोड्यूस हुआ है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप्स करो ए जो है वो फाइव है और नंबर है और बी आपका क्या स्ट्रिंग है तो कौन सी एरर आएगी टाइप एरर तो आपका कंट्रोल सीधा कहाँ चला जाएगा इस पर्टिकुलर एक्सेप्ट ब्लॉक के पास चला जाएगा और इसकी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी तो इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी अनसपोर्टेड ऑपरेशन राइट उसके बाद जो एंड ऑफ द एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद जो आपकी स्टेटमेंट्स आई है वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी आउट ऑफ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक फाइन तो आप एक ट्राई के साथ मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स को यूज कर सकते हो फाइन

देन नन ऑफ़ द एक्सेप्ट ब्लॉक विल बी लेकिन अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई भी एरर नहीं आती तो एक्सेप्ट ब्लॉक को जितने भी एक्सेप्ट ब्लॉक हैं वो क्या करेंगे एक है तो ए, एक है या एक से ज्यादा है कोई भी एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा एक्सेप्ट कब, कब एग्जीक्यूट करता है जब ट्राई के अंदर एरर आती है एक्सेप्शन आता है ओके okay? इन दिस केस द स्टेटमेंट इन साइड राइट तो इस केस में क्या होगा अगर ट्राई के अंदर कोई भी क्या आती है एरर नहीं आती है एक्सेप्शन नहीं आती है इस केस में एक्सेप्ट ब्लॉक क्या आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा कौन सा ब्लॉक आपका एग्जिक्यूट करेगा एल्स ब्लॉक करेगा ओके एग्जीक्यूट इफ द ट्राई ब्लॉक इज एरर फ्री अभी मैं फाइनली नहीं करा रही क्योंकि मैं पहले ये आपको एल्स का करवाती हूँ उसके बाद मैं फाइनली भी करवाऊंगी फाइन तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं आपने ट्राई ब्लॉक के अंदर अपना स्टेटमेंट दिए प्रिंट ट्राइ ब्लॉक ये तो आपका हो जाएगी सिंपली प्रिंट ट्राइ ब्लॉक राइट प्रिंट तो ट्राइ ब्लॉक आपका आ गया अब आपने क्या किया यूजर से एक नंबर इनपुट कराया और दो नंबर आपने इनपुट कराए ओके और आपने क्या दे दिया जी इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई वाई ओके आपका ये स्टेटमेंट आ गया फाइन अब देखो अब यहाँ पे जब ये पूरा एग्जीक्यूट करेगा अभी मैं यहाँ पे दिखाती हूँ फर्स्ट आपका ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो आपके पास स्टेटमेंट आ जाएगा एंटर एंटर नंबर नंबर आपने करा दिया ट्वेंटी सेकंड आपके पास स्टेटमेंट आई एंटर नंबर तो आपने एंटर करा दिया टू राइट अब देखो यहाँ पे ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई टू तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगी सिंपली डिवीजन हो जाएगा तो एक्सेप्ट ब्लॉक है जो आपका वो प्रिंट करेगा नहीं

ओके okay, तो ब्लॉक ब्लॉक सॉरी एस आपका कब एग्जीक्यूट करता है जब ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं आता है इस इस केस में ओके okay, अब हम पढ़ेंगे फाइनली क्लॉज के बारे में ओके द ट्राई स्टेटमेंट इन पाइथन कैन आल्सो हैव एन ऑप्शनल फाइनली क्लॉज तो ये क्या कह रहा है ट्राई स्टेटमेंट में आप एक ऑप्शनल फाइनली क्लॉज को भी यूज कर सकते हैं राइट इन दोग्राम जो फाइनली के अंदर जो स्टेटमेंट दी जाती है वो हमेशा एग्जीक्यूट करती है चाहे ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन आए चाहे ना आए ओके या तो किसी भी केस में फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा ओके एक्सेप्शन रेज हो रहा है तब भी एक्सेप्शन रेज नहीं हो रहा है तब भी ओके इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू यूज फाइनली क्लॉज वाइल वर्किंग विद फाइल्स टू एंश्योर डेट द फाइल ऑब्जेक्ट इज क्लोज तो हम फाइनली का बेसिकली यूज किस लिए करते हैं अगर आपको क्या करना है फाइल ऑब्जेक्ट को क्लोज कर क्लोज uh, करना है चाहे आपका एक्सेप्शन uh, क्रिएट हो चाहे ना हो लेकिन आपका फाइल ऑब्जेक्ट क्लोज होना ही चाहिए या फिर और भी कोई uh, कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करनी है इन द एंड ऑफ द प्रोग्राम तो वो आप किसके अंदर दोगे फाइनली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी ही करनी है चाहे आपका प्रोग्राम के अंदर एरर आए चाहे ना आए ओके okay? If used finally should always be placed at the end of the try clause after all the except blocks and the else block. तो so, finally का कहाँ पे use किया जाता है try uh, try block के बाद आपका except uh, block आता है except के बाद आप else block का use करते हो तो in the end आपका finally block आता है जिसके अंदर आप वो पे देते हो वो जो जिनका execute होना बहुत important है क्यों क्यों क्योंकि finally block हमेशा ही execute करता ही करता है fine.

आपका सेकंड नंबर यूजर ने इनपुट कर दिया अब आपने क्या कमांड दिया जीवल टू एक्स डिवाइडेड बाय वाई तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर हमने जो, X दिया, है वो 16 है, जो हमने y दिया है वो है जो हमने वाई दिया है वो है टू ओके सिंपली क्या हो जाएगा डिविजन हो जाएगा इस ब्लॉक के अंदर मतलब ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई भी एरर नहीं आई है तो यहाँ पे जो हमारे एक्सेप्ट ब्लॉक दिए गए हैं जीरो डिवीजन एरर वैल्यू एरर ये दोनों के दोनों एग्जीक्यूट नहीं करेंगे कमांड सीधा कहा चला जाएगा एल्स के पास चला जाएगा ओके okay, कंट्रोल आपका सीधा कहाँ चला गया एस के पास तो एस अब एग्जीक्यूट करेगा देखो एस ब्लॉक आ गया डिविजन इक्वल टू जी आपने इसका रिजल्ट क्या किया ये शो करवा दिया अब उसके बाद एस के बाद कौन सा ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट करेगा फाइनली क्योंकि फाइनली तो हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा ओके okay, तो आपके पास फाइनली के अंदर क्या दिया प्रिंट ओवर एंड आउट तो आपका आ गया ओवर एंड आउट राइट द फर्स्ट रन इज अ नॉर्मल केस हमने जो फर्स्ट टाइम इसको रन किया तो हमने एक नॉर्मल केस uh, पे देखा द एल्स एंड फाइनली ब्लॉक्स आर डिस्प्लेड बिकॉज द ट्राई ब्लॉक इज एर फ्री तो यहाँ पे ट्राई uh, ब्लॉक के बाद एल्स ब्लॉक और फाइनली डिस्प्ले हुआ है क्योंकि इसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ है ओके okay? तो एक्सेप्ट ब्लॉक यहाँ पे नहीं आया है फाइन तो हम इसको अलग अलग केसेस uh, में देखते हैं फर्स्ट हमारा नॉर्मल था कोई एरर नहीं आया तो सिंपली आपका ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ फिर एल्स हुआ और फिर फाइनली हुआ ओके okay? ओके okay, अब हम सेकंड केस देखते हैं आपने प्रिंट स्टेटमेंट दे दी सिंपली आपका प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे आ गया है ठीक है अब आप ट्राई ब्लॉक के अंदर आपने दिया प्रिंट ट्राई ब्लॉक ट्राई ब्लॉक आपका आ गया ओके okay, स्टेटमेंट जो प्रिंट में आपने दिया फिर आपने इनपुट कराया फर्स्ट नंबर आपने ट्वेंटी फाइव इनपुट कर दिया देन आपका सेकेंड नंबर इनपुट कराया यहां पे आपने जीरो दे दिया ओके इनपुट क्या करा दिया जीरो तो जब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय वाई तो क्या होगा यहां पे पे हो हो रहा है 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 क्योंकि आपने 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 क्या दिया 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 तो तो आपकी रही आपका कहाँ चला जाएगा आपका कंट्रोल चला जाएगा एक्सेप्ट ब्लॉक के पास ठीक है जिसमें आपने क्या दिया है डिफाइन किया है जीरो डिविजन एरर तो ये वाला ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट करेगा इसके बाद एक्सेप्ट जीरो डिविजन एरर ब्लॉक तो देखो एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर ब्लॉक आपका आ गया फिर आपने लिखा है डिनोमिनेटर एज जीरो इज नॉट अलाउड ठीक है आपको डिनोमिनेटर जीरो नहीं लेना है वो अलाउड नहीं है ओके अब इसके बाद एरर आ गई तो आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा ओके एल्स ब्लॉक कब एग्जीक्यूट करता है जब एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करता है अब यहाँ पे हमारा एस ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा लेकिन फाइनली आपका हमेशा करेगा चाहे एरर आए चाहे ना आए और फाइनली में आपने क्या दिया है प्रिंट ओवर एंड आउट तो आपका आ गया ओवर एंड आउट समझ आया तो आपका ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ ट्राई ब्लॉक में आपका एक्सेप्शन रेज हुआ एक्सेप्शन रेज हुआ तो एक्सेप्शन हैंडलर ने एक्सेप्शन ब्लॉक ने उसको कैच किया उसको एग्जीक्यूट किया ठीक है वो आपके स्टेटमेंट आ गए उसके बाद आपका एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि एक्सेप्ट एग्जीक्यूट हुआ है लेकिन फाइनली आपका हमेशा एग्जीक्यूट होगा चाहे एरर आए चाहे ना आए तो ये फाइनली आप, आपका आ गया है ओवर एंड आउट

आपने प्रिंट आप, कमांड आपका एग्जीक्यूट हुआ फिर आपका ट्राई ब्लॉक आ गया ट्राई ब्लॉक के आप, अंदर आपने दिया है प्रिंट ट्राई ब्लॉक ओके आपका आ जाएगा ट्राई ब्लॉक लिखा हुआ पे ट्राई ब्लॉक आ गया सिंपल फिर आपने क्या दिया इनपुट एंटर नंबर एक आपने एंटर एंटर नंबर कराया ट्वेल्व सेकेंड आपने नंबर एंटर कराया वो आपने दे दिया ए तो ए क्या है करेक्टर है इट्स नॉट अ नंबर तो जब आपका जो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जी इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय बाई ओके okay, तो यहाँ पे एक्सेप्शन रेज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है टाइप एरर आ रही है लेकिन हमने यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर कौन सा एक्सेप्शन uh, uh, लिखा हुआ है जीरो एरर अगर आपने सिंपली एक्सेप्ट लिखा होता तो कोई भी एक्सेप्शन होता है इसको हैंडल करता ओके okay, लेकिन आपने एक्सेप्ट ब्लॉक के साथ एक स्पेसिफिक क्या दिया एक्सेप्शन हैंडलर का नाम डिफाइन किया हुआ है तो यहाँ पे ये वाला एक्सेप्ट ब्लॉक तो प्रिंट करेगा ही नहीं फाइन ये वाला आपका प्रिंट करेगा तो एक्सेप्शन देखो एक्सेप्शन आ रहा है लेकिन वो हैंडल नहीं हो रहा ओके तो इस केस में क्या है वो पर्टिकुलर जो है एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ आपका पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ फिर ये फिर ये और फिर ये वन टू थ्री फोर फोर स्टेटमेंट एक्जीक्यूट हुए उसके बाद आपका एक्सेप्शन रेज हुआ इस स्टेटमेंट के अंदर आपका एक्सेप्शन रेज हुआ वो एक्सेप्शन हैंडल नहीं हो पाया तो आपका एक्सेप्ट ब्लॉक uh, क्या हुआ एग्जीक्यूट नहीं हुआ आपका एस ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ लेकिन फाइनली आपका एग्जीक्यूट हो रहा है क्योंकि फाइनली हर केस में एग्जीक्यूट होता है तो आपका लिखा हुआ आ गया ओवर एंड आउट ठीक है ओवर एंड आउट लिखा हुआ आ गया अब देखो अनलाइक एक्सेप्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द फाइनली क्लॉज डज नॉट टर्मिनेट द एक्सेप्शन ठीक है जब आप एक्जीक्यूट लेकिन ये भी ध्यान रखना है जब आपने फाइनली आपका फाइनली ब्लॉक आ गया ओवर एंड आउट ठीक है है ये हो गया तो यहां पे क्या कह रहा एग्जीक्यूशन ऑफ द फाइनली क्लॉज डर नॉट टर्मिनेट द एक्सेप्शन फाइनली क्लॉज एग्जीक्यूट होने के बाद एक्सेप्शन टर्मिनेट नहीं होगा रेदर द एक्सेप्शन कंटिन्यूज टू बी रेस्ट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फाइनली फाइनली ब्लॉक के बाद क्या होगा वो एक्सेप्शन रेज होगा राइट right? वो हैंडल नहीं हुआ है लेकिन वो उसके बाद भी आपने फाइनली तो आपका उसने प्रिंट करा दिया क्योंकि ये हर केस में प्रिंट होगा लेकिन एक्सेप्शन अभी क्या हुआ है रेस है वो हैंडल नहीं हुआ है आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द द ब्लॉक पाइथन ट्रांसफर कंट्रोल टू अ प्रीवियसली एंटर ट्राई और टू द नेक्स्ट हायर लेवल डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर तो आ, देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपका ये वाले स्टेटमेंट्स आपके एग्जीक्यूट हुए थे आपका इस स्टेटमेंट के अंदर क्या था एक्सेप्शन आया था जो हैंडल नहीं हुआ हैंडल नहीं हुआ लेकिन उसके बाद भी देखो एक्सेप्ट नहीं हमारा एग्जीक्यूट हुआ एल्स हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ एक्सेप्ट हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ राइट लेकिन फाइनली हमारा एग्जीक्यूट हुआ फाइनली एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल कहाँ चला गया कंट्रोल फिर से ब्लॉक के पास चला गया राइट ट्राई ब्लॉक के पास वो फिर से गया और फिर से ये वाला एक्सेप्शन रेज हुआ और ये एक्सेप्शन हम मतलब प्रोग्रामर ने प्रोग्राम में कोई कोड इसका इंक्लूड नहीं किया है तो क्या कहा, कहा चला जाएगा एक्सेप्शन रेज होने के लिए डिफॉल्ट हैंडलर के पास चला जाएगा जो प्रोग्राम का इनबिल्ट हैंडलर होते हैं उनके पास चला जाएगा तो इनबिल्ट हैंडलर ने क्या दिया दे, दे दिया यहाँ पे देखो यहाँ पे वैल्यू ऑर्डर दे दिया समझ आया ट्राई ब्लॉक पहले हमारा प्रोग्राम एक बार एग्जीक्यूट हुआ फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होने में एक्सेप्शन रेज हुआ और एक्सेप्शन हैंडल नहीं हो पाया तो एक्सेप्ट ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ एस ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ ठीक है लेकिन फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ यहाँ पे देखो और फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से ट्राई ब्लॉक के पास कंट्रोल गया फिर से एक्सेप्शन रेज हुआ और अब इस एक्सेप्शन को कौन हैंडल कर रहा है इसको डिफॉल्ट हैंडलर प्रोग्रामिंग का जो डिफॉल्ट हैंडलर है वो इसको हैंडल कर रहा है और आपके पास मैसेज पहुंचा रहा है और उसने आपके पास मैसेज पहुंचा दिया है वैल्यू एरर इन वैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस विदेन विद बेस टेन ए ठीक है तो बता रहा है कि जो आप डिवीज़न कर रहे हो वहां पे क्या है वैल्यू एडर दे रहे हो फर्स्ट आप नंबर ले ले रहे हो सेकेंड आप क्या ले रहे हो आप स्ट्रिंग ले रहे हो करेक्टर ले रहे हो फाइन समझ आ गया ओके अब एक बार आप समरी में देख लो सबसे पहले है आपका ब्लॉक रन दिस कोड इसको आप रन करते हो देन उसके बाद आपके पास आता है एक्सेप्ट ब्लॉक आप एक ट्राई के साथ मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक भी ले सकते हो जिसमें आप क्या करते हो एग्जीक्यूट दिस कोड वेन देयर इज एन एक्सेप्शन इसके इसके अंदर जो कोड होता है एग्जीक्यूट कब होता है जब जब कोई एक्सेप्शन रेज होता है ओके okay? नेक्स्ट आपका है एल्स ब्लॉक एल्स ब्लॉक कब एग्जीक्यूट करता है नो एक्स नो एक्सेप्शन रन दिस कोड अगर कोई भी एक्सेप्शन क्रिएट नहीं हुआ है तो कौन सा ब्लॉक रन करेगा एल्स ब्लॉक ओके इन द एंड आपका आया है फाइनली ब्लॉक ये क्या करता है ऑलवेज रन दिस कोड इसका कोड हमेशा रन होता है चाहे एक्सेप्शन आए चाहे ना आए ओके ओके नेक्स्ट वी हैव रेजिंग एक्सेप्शन एक्सेप्शन कैसे रेज होते हैं ओके अ प्रोग्रामर कैन ऑल्सो क्रिएट कस्टम एक्सेप्शन टू शूट वंस रिक्वायरमेंट प्रोग्रामर भी क्या क्रिएट कर सकता है कस्टम एक्सेप्शन को क्रिएट कर सकता है रिक्वायरमेंट uh, के अकॉर्डिंग ओके खुद के एक्सेप्शन भी प्रोग्रामर क्रिएट कर सकता है दीज आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड मतलब हम खुद खुद के के भी अपने के भी अपने बना सकते हैं राइट right? जैसे जीरो डिविजन एरर है हम कोई भी पर्टिकुलर एक्सेप्शन खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं फाइन ईट टाइम एन एरर इज डिटेक्टेड इन अ प्रोग्राम द पाइथन इंटरप्रेटर रेजेस एन एक्सेप्शन जब भी प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर आती है तो पायथन इंटरप्रेटर क्या करता है एक एक्सेप्शन रेज करता है ठीक है क्रिएट करता है ओके एक्सेप्शन हैंडलर्स आर डिजाइन टू एग्जीक्यूट व्हेन अ स्पेसिफिक एक्सेप्शन इज थ्रो और जितने भी एक्सेप्शंस हैं उनको हैंडल करने के लिए क्या होते हैं एक्सेप्शन हैंडलर्स होते हैं ओके okay? जो पर्टिकुलर एक्सेप्शंस को क्या करते हैं हैंडल करते हैं राइट प्रोग्रामर कैन ऑल्सो फोर्सफुली रेज एक्सेप्शन इन प्रोग्राम यूजिंग द रेज एंड एसर्ट स्टेटमेंट प्रोग्रामर खुद से भी एक्सेप्शन को रेज कर सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं किसकी हेल्प से रेस की वर्ड की हेल्प से और एसर्ट स्टेटमेंट रेज स्टेटमेंट और एसर्ट स्टेटमेंट की हेल्प से हम खुद के भी एक्सेप्शन रेज कर सकते हैं फाइन No. मतलब उनको डिस्प्ले करा सकते हैं raised, no जैसे ही आप जैसे ही एक्सेप्शन रेज होता है ओके okay, उस पर्टिकुलर ब्लॉक में एक्सेप्शन रेज होने के बाद कोई भी स्टेटमेंट एक्सिक्यूट नहीं करता कोई भी कोड एक्सिक्यूट नहीं करता सो रेजिंग एन एक्सेप्शन द नॉर्मल फ्लो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम तो जैसे ही एक्सेप्शन रेज होगा तो क्या होगा नॉर्मल फ्लो प्रोग्राम का रुक जाता है एंड जम्पिंग टू डेट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम विच इज रिटर्न टू हैंडल एक्सेप्शनल सिचुएशन और कंट्रोल कहाँ जा, चला जाता है उस पर्टिकुलर पार्ट part पे चला जाता है जहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलर है मतलब वो कोड लिखा हुआ है जो उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को हैंडल करेगा ओके okay? अब आप रेज स्टेटमेंट की हेल्प से कैसे एक्सेप्शन रेज करोगे वो हम देखते हैं द रेज स्टेटमेंट कैन बी यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन रेज स्टेटमेंट की हेल्प से हम खुद से एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हैं ओके okay? इसका सिंटेक्स क्या है आपने रेज स्टेटमेंट लिखा उसके बाद आप जो एक्सेप्शन देना चाहते हो उसका नेम लिख दिया और उस एक्सेप्शन के साथ आप जो भी मैसेज देना चाहते हो आपने वो मैसेज दे दिया आर्ग्यूमेंट इज जर्नली स्ट्रिंग क्या कह रहा है ये क्या ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है जो आप दिखाना चाहते हो जब आपका ये पर्टिकुलर एक्सेप्शन जो आपने बनाया है वो क्या हो रेज हो वो आपका एग्जीक्यूट uh, करे ओके okay? तो आप देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे हमने वेरिएबल या नम उसके अंदर आपने इनपुट करा दिया एंटर एनी नंबर अप टू हंड्रेड आपने क्या कराना है एक नंबर एंटर uh, कराना है कहां तक हंड्रेड तक होना चाहिए तो आपने फर्स्ट देखो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी डिस्प्ले हुई तो आपने आपने क्या दिया इनपुट फिफ्टी फिर आपकी कंडीशन आ गई यहाँ पर इफ नम इज स्मॉलर देन हंड्रेड अगर जो नम है जो आपने वैल्यू एंटर कराई है वो क्या है सॉरी इफ नम इज ग्रेटर देन हंड्रेड ठीक है यहाँ पे क्या है इफ नम इज ग्रेटर देन हंड्रेड आपने कंडीशन दी जो आपने नंबर एंटर कराया है अगर वो क्या है हंड्रेड से ग्रेटर है तो रेज हो जाए आपने रेज की वर्ड का यूज किया एक्सेप्शन रेज हो जाए क्या नंबर इज इज आउट ऑफ अलाउड रेंज जो आपने रेंज दी है उससे क्या है आउट है ठीक है कब किस कंडीशन में अगर आपने जो वैल्यू एंटर कराई है ठीक है वो किससे बड़ी है वो हंड्रेड से बड़ी है ओके okay. अगर ये अगर ऐसी कंडीशन है तो तो आपका एक्सेप्शन रेज हो जाए अगर नहीं है तो आपका एस पार्ट आ जाएगा प्रिंट नंबर इज विद इन द अलाउड रेंज ओके तो यहाँ पे हम देखो आउटपुट में देखते हैं सबसे पहले आपने फिफ्टी एंटर uh, कराया 50 एंटर कराया ये वाली आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी एंटर कराने के बाद तो यहाँ पे क्या है ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट यहाँ पे आपकी कंडीशन क्या है इफ नम इज ग्रेटर देन हंड्रेड अगर नम किससे बड़ा है हंड्रेड से बड़ा है तो एक्सेप्शन रेज होगा लेकिन हमने क्या दिया फिफ्टी तो यहाँ पे एक्सेप्शन रेज नहीं होगा कहाँ पे चला जाएगा एल्स पार्ट के पास चला जाएगा और एल्स पार्ट में आपने क्या दिया नंबर इज विद इन द अलाउड रेंज तो आपका एल्स पार्ट यहाँ पे आ गया नंबर इज विद इन द अलाउड रेंज ओके एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ फर्स्ट जब आपने फर्स्ट टाइम इसको एग्जीक्यूट किया ओके अब आपने इस प्रोग्राम को फिर से रन किया आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आ गया एंटर एनी नंबर अप टू हंड्रेड लेकिन इस टाइम मैंने क्या दे दिया टू हंड्रेड दे दिया ओके okay? आपने इनपुट क्या करा दिया टू हंड्रेड अब यहाँ पे आपने कंडीशन दी थी इफ नम इज ग्रेटर देन हंड्रेड तो ये क्या हो गई ट्रू हो गई ये कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि यहाँ पे टू हंड्रेड दिया है नम क्या है टू हंड्रेड uh, हमने दिया है जो कि हंड्रेड से बड़ा है तो क्या होगा आपका एक्सेप्शन रेज हो जाएगा

ठीक है तो इस तरह से आप सिंपली अपना खुद का एक्सेप्शन क्रिएट करके उसको रेस कर सकते हो ओके नेक्स्ट है आपका एसर्ट स्टेटमेंट ओके द एसर्ट स्टेटमेंट इन पाइथन इज यूज टू टेस्ट एन एक्सप्रेशन इन द प्रोग्राम कोड एसर्ट स्टेटमेंट में क्या होता है इसका यूज किया जाता है एक पर्टिकुलर कंडीशन को चेक करने के लिए प्रोग्राम कोड में ओके Condition, condition कंडीशन दी है अगर वो फॉल्स आती है ठीक है अगर वो फॉल्स होती है तो क्या होता है देन इट रेजेज दिन एरर एक्सेप्शन तो कौन सा आपका एक्सेप्शन रेज होता है एसर्शन एरर एक्सेप्शन विद द स्पेसिफाइड एरर मैसेज जो किसके साथ जो आपने एरर मैसेज दिया है तो assert कीवर्ड की हेल्प से भी आप एक्सेप्शन को रेज करा सकते हो इसका सिंटेक्स क्या है आपने assert कीवर्ड दिया उसके बाद आपने कंडीशन दी ओके okay, कोई भी आपने एक पर्टिकुलर कंडीशन दी अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो assertion error exception रेज होगा ओके okay? और अगर ये ट्रू है तो नहीं होगा राइट right? अगर ये फॉल्स है तो आपका एरर एक्सेप्शन रेज होगा और आपका एरर मैसेज भी डिस्प्ले होगा इसके साथ फाइन On encountering an assert statement, Python evaluates the expression given immediately after the assert keyword. क्या कह रहा है कि जब assert uh, statement use कर रहे हो, तो उसके साथ जो आपने uh, uh, क्या दिया है, expression दिया है, उसको Python expression means condition, उसको Python क्या करता है? Evaluate करता है, उसको check करता है। If this expression is false, अगर ये condition false होती है, an assertion error exception is raised. False होती है, तो कौन सा exception raised होता है? Assertion error. ओके विच कैन बी हैंडल लाइक एनी अदर एक्सेप्शन और ये एक्सेप्शन कैसे हैंडल होता है जैसे हम अलग अलग और एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं ओके okay? ओके okay, अब यहां पे देखो द फॉलोइंग एग्जांपल अ सिंपल अलर्ट स्टेटमेंट हम एक बिल्कुल सिंपल एसर्ट स्टेटमेंट का क्या ले रहे हैं एग्जांपल ले रहे हैं आपने एक वेरिएबल दिया लिया एक्स उसमें आपने वैल्यू दी है टेन राइट फिर आपने एसर्ट की uh, के बाद कंडीशन दी है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो ओके okay. और एक्स की वैल्यू हमने टेन दी तो है? है. है तो हमारा यहाँ पे कंडीशन क्या है ट्रू है ट्रू है तो एसर्शन एक्सेप्शन एरर नहीं आएगी ओके okay. सिंपली आपका फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी एक्सिक्यूट एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर फाइन तो आपका यहाँ पे आ गया एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर फाइन इन दसर्ट कंडीशन एक्स इज ग्रेटेड टू ट्रू यहाँ पे एक हमारी कंडीशन टू है सो इट विल कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट द नेक्स्ट स्टेटमेंट विदाउट एनी एरर, यहाँ पे इसलिए कोई भी एरर नहीं आई और नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट है, फाइन ओके okay, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं द एस स्टेटमेंट कैन ऑप्शनली इंक्लूड एन error मैसेज स्ट्रिंग ठीक है assert के साथ आप एक एरर मैसेज भी दे सकते हो which गेट डिस्प्लेड along विद द assertion एरर तो ये कब डिस्प्ले होगी अगर आपका assert की कंडीशन false है तो आपका एसर एसर्शन एक्सेप्शन आपका रेज होगा उसके साथ ये एरर मैसेज भी डिस्प्ले होगा consider द फॉलोइंग एसर स्टेटमेंट विद error मैसेज ठीक है अब हम इसको देखते हैं एसर स्टेटमेंट with एरर मैसेज आपने एक्स वेरिएबल लिया उसको आपने वैल्यू दी है zero आपने फिर assert के साथ कंडीशन क्या दिया है कि एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो तो यहाँ पे फॉल्स होगी फॉल्स होगी तो एसेशन एक्सेप्शन आपका क्या होगा रेज होगा एसेशन एरर आपकी रेज होगी ठीक है और उसके साथ आपका कौन सा मैसेज डिस्प्ले होगा जो आपने एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे दिया है ओनली पॉजिटिव नंबर आर अलाउड राइट right, तो देखो जब आप इसको एग्जीक्यूट uh, करोगे तो क्या होगा सीधा आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद सीधा सेकंड एग्जीक्यूट हुआ सेकंड के अंदर आपका एक्सेप्शन रेज हो गया एसेशन एरर आ गई आपके पास तो आपके पास सिंपली क्या होगा एसेशन एरर एग्जीक्यूट होगी और ये पर्टिकुलर जो आपने स्ट्रिंग मैसेज दिया है वो वो डिस्प्ले करेगा तो यहाँ पे देखो आपने जैसे इसको किया आपके पास आ गया एसेशन एरर ओनली पॉजिटिव नंबर्स आर अलाउड ओके okay, यहाँ पे फर्स्ट देखो ये दिया हुआ एसर्ट कंडीशन ओनली पॉजिटिव नंबर्स आर अलाउड उसके एसर्शन के बाद आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा फाइन क्योंकि यहाँ पे uh, uh, क्या हुआ कंट्रोल ने क्या किया आपका एसर्शन एरर दे दिया सिंपली फाइन देखो अब एक्स इजल टू जीरो सो दसर्ट कंडीशन इज बिकम्स फॉल्स यहाँ पे हमारी एसर्ट कंडीशन फॉल्स हो गई एंड सो इट विल रेज द एसर्शन एरर विद द स्पेसिफाइड मैसेज तो यहाँ पे असर्शन एरर

राइट right? फंक्शन के अंदर आपने स्टेटमेंट दिए एसर्ट आईपी वाले बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि वो फंक्शंस उन्होंने नहीं पढ़े ठीक है थीके? फिर आप इसको आ, समझ लो ठीक है थोड़ा सा यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया स्क्वायर ओके डेफ कीवर्ड को यूज किया जाता है फंक्शन बनाते टाइम अब यहाँ पे इस फंक्शन में आपने वैल्यू पास किए एक्स ओके यहाँ पे आपने स्टेटमेंट दिए एसर्ट और कंडीशन दिए एक्स जो आपका एक्स वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू है वो किससे जीरो से बड़ी होनी चाहिए या तो जीरो के इक्वल हो या जीरो से बड़ी हो ओके okay? और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा एसेशन एरर आएगी और उसके साथ आपका एरर मैसेज आएगा ओनली पॉजिटिव नंबर्स आर अलाउड ओके एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट आपने क्या कर दिया एक्स इंटू एक्स कर दिया जो भी आप पास करोगे ठीक है पहले ये कंडीशन चेक होगी फिर आपका क्या रिटर्न होगा एक्स इंटू एक्स रिटर्न होगा कॉल फंक्शन के पास अब यहाँ पे देखो हमने फंक्शन कॉल किया फंक्शन कॉल किया फंक्शन को कॉल किया और फर्स्ट टाइम एक्स के पास जाएगा two, two जाएगा, तो हुआ है ये कंडीशन क्या है ट्रू है कोई भी एरर नहीं आई तो आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगा एक्स इन टू एक्स एक्स इन टू एक्स आपको क्या रिटर्न करेगा फोर राइट right? तो आपने इसको प्रिंट कराया तो यहाँ पे आ गया फोर ओके फाइन फर्स्ट एग्जीक्यूशन में जब आपका ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हुआ तो कोई भी एरर नहीं आई जब आपने स्क्वायर फंक्शन को कॉल किया सिंपली आपका रिजल्ट आ गया फोर आप देखो सेकंड स्टेटमेंट आपने फिर से स्क्वायर फंक्शन को कॉल कराया और इस बार आपने क्या पास किया माइनस टू यहाँ पे आपने माइनस टू पास कर दिया तो माइनस टू क्या जीरो से छोटा है एसर्ट के बाद जो आपने कंडीशन दी है वो फॉल्स हो गई तो अब यहाँ पे क्या आएगा एसर्सन एरर आएगा ओके okay. यहाँ पे देखो हमारा एसर्शन एरर आ गया ओनली पॉजिटिव नंबर्स आर अलाउड

प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू